कल दिनांक 6 मई 2020 जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के लिए एक अत्यंत ही सुखद दिन रहा। दरभंगा जिला प्रशासन की अनुमति से दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड स्थित ठाठोपुर मेघुटोल गांव के वार्ड नंबर 01 के होरील पासवान पेसर रैम प्रसाद पासवान का शुभ विवाह निशा कुमारी पुत्री रंजीत पासवान साकिन छपकी परिवार नंबर 13 पंचायत सारा मोहनपुर थाना सदर जिला दरभंगा के साथ इस लॉकडाउन के अवधि में कल दिनांक 6 मई 2020 को लॉकडाउन के सभी नियमों के अनुपालन के साथ दीपक कुमार अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा एवं PLVs के सहयोग से संपन्न करवाया गया। इससे पहले दिनांक 5 मई 2020 को दरभंगा जिला के बहेड़ी पंचायत के ठाठोपुर मेघुटोल वार्ड नंबर 01 गांव के होरील पासवान पेसर श्री राम प्रसाद पासवान का इस आशय का एक आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को प्राप्त हुआ कि होरील पासवान की शादी निशा कुमारी के साथ पूर्व से ही अप्रैल माह में नियत थी, परंतु लॉकडाउन हो जाने के कारण उक्त शादी को टालकर 4 मई 2020 नियत की गई। द्वितीय लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद पुनः इस शादी की तिथि को आगे बढ़ा दी गई। इसी बीच होरील पासवान के दादा बच्चू पासवान जो कि काफी वयोवृद्ध थे, उनकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगी तथा उनकी ये अंतिम इच्छा थी कि वे अपने पौत्र होरील पासवान की शादी के पश्चात पौत्र वधू को देख सके। अपने दादा के इच्छा की पूर्ति के लिए होरील पासवान ने पुनः अपनी शादी की तिथि दिनांक 6 मई 2020 निर्धारित करते हुए शादी एवं वाहन की अनुमति के लिए जिला प्रशासन दरभंगा के विभिन्न विभागों का चक्कर लगाना शुरू किया, परंतु शादी की अनुमति उन्हें प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण वे अपने दादा की अंतिम इच्छा पूर्ण करने में खुद को असहाय महसूस करने लगे। इसके पश्चात होरील पासवान ने किसी से जानकारी प्राप्त कर एक नई उम्मीद के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा को दिनांक 5 मई 2020 को शादी की अनुमति एवं वाहन की अनुमति दिलाने हेतु प्रार्थना करते हुए आवेदन दाखिल की ताकि वे अपने दादा की अंतिम इच्छा पूरी कर सकें। उनके आवेदन का अवलोकन करने के पश्चात दीपक कुमार अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में उसकी सत्यता को जांचने के उद्देश्य से थाना प्रभारी बहेड़ी एवं थाना प्रभारी सदर से प्रतिवेदन की मांग किया गया तथा उन्हें 6 घंटे के अंदर प्रतिवेदन दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया। प्राधिकार के निर्देश के आलोक में थाना प्रभारी बहेड़ी एवं थाना प्रभारी सदर ने अपना अपना प्रतिवेदन दिनांक 5 मई 2020 की रात्रि 8-9 बजे के आसपास व्हाट्सएप के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के नंबर पर समर्पित किया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट था कि होरील पासवान के आवेदन में जो भी बातें लिखी गई थी वह 100% सही थी तथा उनके दादा के जीवन के बारे में डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे। इसके साथ ही दीपक कुमार अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा ने अपने PLVs के माध्यम से भी दोनों परिवारों की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त किया। प्रतिनियुक्त PLVs ने सारी वस्तु स्थिति को समझने एवं जानने के पश्चात संपूर्ण वस्तु स्थिति से मुझे अवगत कराते हुए कहा कि वास्तव में आवेदन में लिखी हुई बातें सही है तथा दोनों पक्ष काफी गरीब असहाय एवं अशिक्षित व्यक्ति है। पुनः दिनांक 6 मई 2020 को दीपक कुमार अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा व्यक्तिगत रूप से जिला पदाधिकारी सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा से बारंबार बात कर तथा पत्र प्रेषित कर वाहन एवं शादी के आयोजन हेतु अनुमति देने का अनुरोध किया गया। दीपक कुमार अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लगभग अपराह्न 2:30 बजे जिला पदाधिकारी दरभंगा का अनुमति आदेश प्राप्त हुआ। इस संबंध में दोनों पक्षों को सूचित कर आवश्यक व्यवस्था एवं सहयोग करने हेतु PLV संतोष कुमार साहनी, संतोष कुमार मांझी एवं इंद्रजीत कुमार को वधु पक्ष के घर साकिन छपकी परिवार नंबर 13 पंचायत सारा मोहनपुर थाना सदर भेजा गया। दूसरी तरफ वाहन स्वामी ने लॉकडाउन एवं ससमय वाहन पास नहीं मिलने के कारण वर दूल्हा को लाने से मना कर रहा था, उससे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा ने स्वयं बातचीत कर वर दूल्हा को लाने के लिए राजी किया। दीपक कुमार अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा स्वयं भी वधु पक्ष के घर पर पहुंचकर शादी एवं शादी में लॉकडाउन के नियमों का किए जा रहे अनुपालन का जायजा लिए तथा शादी में शिरकत कर रहे सीमित लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किए।
उक्त शादी समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्त तीनों PLVs अपनी उपस्थिति में संपूर्ण शादी का सफलतापूर्वक आयोजन कर लड़की को ससुराल हेतु विदा करवाए।